मदेश के धर्म के नाम पर बांटल जाए, मदेश में धर्म के नाम पर दंगा कराल जाए, एकर बहुत बड़का प्रपंच और षड्यंत्र चल रहा है। चूंकि अपने सब सुनित हो सब छी प्रवास में, लेकिन चिंता घर परिवार के होत हो, कला कि ऐसे पहले जे भाईचारा, जे प्रेम, जे आपसी सद्भाव रहा है, जे सामाजिक एकता रहा है मदेश में, आई सुनित हो बहुत सारा शक्ति षड्यंत्र करके वही पर खलल पहुँचावे के काम करे, वही शक्ति के कमजोर मदेशी के एकता के कमजोर करे के प्रयास करे, खास करके मदेश के बांटे के प्रयास हो रहा है। अभी सबसे प्रमुख रूप से सबसे बड़का चुनौती की है, मदेश के धर्म के नाम पर बांटल जाए, मदेश में धर्म के नाम पर दंगा कराल जाए, एकर बहुत बड़का प्रपंच और षड्यंत्र चल रहा है। ते के लिए हम कहलिए मदेशी एकता समाज जे है, और जे भाईचारा प्रेम है हॉल के भीतर में, कतार में जे खास करके मदेशी और नेपाली के बीच में दिखाई दे रहा है, एकर आवश्यकता मदेश के गाँव गाँव में, नेपाल के गाँव गाँव में, जन जन में है। अपने के बता देवे चाहे छी कौन है मदेश के लोग, कि अपने के पता होते हम सब जब बचपन से लेके अभी तक अपने सब दाहा के मलिदा चढ़ावे पूजा करे हिंदू लोग सब जाए छे, अपने के फागुन के फगुवट गावे मुस्लिम लोग आवे छे, जे सुकरात और सुकराती मनाए वाला कौम जे प्रेम है मदेश के लोग में, ए पर खलल पुरियावे के खलल एकरा समाप्त करे के षड्यंत्र चल रहा है। एक विनम्रता पूर्वक अपने से विनम्र अनुरोध करे लिए कि परिस्थिति है मदेश के मजबूत रूप से खास करके नेपाल के ही एकताबद्ध करे के आवश्यकता है, और मदेश के तो खास करके जे शताब्दियों से जे हमर सबके सामाजिक सद्भाव आपसी प्रेम भाईचारा रहा है, वो और केना प्रगाढ़ मजबूत होते, वही दिशा में सिर्फ सरकार के चाह लेला से, सरकार के प्रयास कैला से न होते, हरेक मदेश के आम आवाम हरेक व्यक्ति के ए प्रति जिम्मेवार हो पड़ते, वही अभियान में लागे पड़ते, तब मदेश एकताबद्ध होते। जब तक अपने सब हम सब एकताबद्ध न होब तब तक ये कौम अगारी न बढ़ते। हम अपने